गाड़ी तो उस साइड में था, एक्सीडेंट हो गया था सर। सो पहुंच चुका हूँ हमारा डेस्टिनेशन सो तंगलंगला और 7 किलोमीटर दूर। सो गाइस फाइनली वी आर एट, चोट वगैरह आया तो कुछ हेलमेट वगैरह है तो ना, ये सब हेलमेट रहता है। ठीक है चलो, सो एक हिमालयन राइडर का एक्सीडेंट हुआ था उधर, उधर कुछ ट्रैवलर का टूरिस्ट लोग था तो वो लोग दिख रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी जख्म नहीं आया लेकिन इस ठंडी में तो थोड़ा ही तो लगेगा, तो ऐसे होते रहते लद्दाख पे, ऐसे कुछ कोई बड़ी सी बात नहीं लेकिन सेफ राइड तो बहुत ज़रूरी है। आगे देखो एक स्कूटी लेके आ रहा है बंदा, वो दिस ही इज अ लेजेंड। स्कूटी लेके लद्दाख राइड इज बहुत टफ, हमारा एनएस में इतना टफ हो रहा था, सोचिए स्कूटी में कितना टफ हो सकता है। तो इस साइड का व्यू देखिए कुछ अलग ही लेवल का है, मतलब लद्दाख में आपको आप लोगों को हर तरीके से पहाड़ देखने को मिल जाएगा। ये जो पहाड़ दिख रहा है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि पहले अब जो हम लोग जब दिख रहे थे उस टाइप का पहाड़ अलग है और ये जो है ये काफ़ी अलग है। ये जैसे हम लोग कभी बाहर जब मतलब फॉरेन पे देखते हैं ऐसे पहाड़ जो डिस्कवरी चैनल ज्योग्राफी चैनल पे ऐसे पहाड़ देखने को मिलता है, लेकिन ये हमारे इंडिया में मिलेगा भाई, लद्दाख में आओ और ऐसे पहाड़ आपको मिल जाएगा। यार सच में बोलते हो काफ़ी अच्छी लगती है ऐसे देखने में, हर टाइप का पहाड़ इधर को मिलेगा। ठीक है सिर्फ इधर की है जो ग्रीनी जो ग्रीन एक है ना गाछ पेड़ वगैरह, इधर पेड़ वगैरह आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत कम मिल सकते, लेकिन वो भी इधर तो एकदम भी नहीं है। लास्ट हम लोग जिधर से आ रहे थे उस दर से अभी भी हम लोग को आग पे पेड़ का पेड़ भी नहीं देखा मैंने। तो राइट साइड से जो है एक रिवर है लेकिन रिवर में पानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि शायद इधर बारिश नहीं हुआ है इसी वजह से होगा, पता नहीं। बारिश तो 2 दिन पहले तो चल रहा था, अभी बारिश क्या होगा पता नहीं, लेकिन भाई काफ़ी अल्टीमेट व्यू है यार, इधर रुक के तो एक फ़ोटो खींचना चाहिए हमको सीरियसली। गाइस लुक एट द स्काई, आसमान का कलर देखिए, तो ये लद्दाख का खूबसूरती मतलब सब कुछ एक अलग लेवल का ही होती है। और ये रास्ता देख के मुझे लग रहा है वो पहले वाला जो हम लोग रात पे क्रॉस किया ना पंगी वैली, ऐसे ही मुझे लग रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था वो, काफ़ी डेंजर था और काफ़ी खड़ाई था। टोटली ड्राई, पूरा ड्राई पेस, टोटली ड्राई, कुछ नहीं है, मतलब एक एक बूंद भी ग्रीन नहीं दिख रहा है आपको, मुझे भी नहीं दिख रहा उसका, लेकिन ठंड बहुत बढ़िया है, सीरियसली ठंड जो है ना बहुत बढ़िया है, धूप तो है ही लेकिन उसके साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा है। सो पहुंच चुका हूँ हमारा डेस्टिनेशन नहीं है और एक पास जो है पांग। सो एवरीवन अभी हम लोग पांग पे हूँ जो 15,280 फीट, और सर्च के बाद एक ऐसा जगह है पांग, इधर ही सब लोग आके टिफिन वगैरह करते हैं और खाना वगैरह मिलता है, लेकिन आज एक बड़ा हादसा हुआ है पांग पे। लास्ट 2 दिन से पांग बंद है, मतलब इधर जितना सारा ये आप लोग को होटल मतलब छोटा सा क्या बोलते हैं इसको रेस्टोरेंट वगैरह दिख रहा है सब कुछ बंद है, कुछ खाने का कुछ नहीं है और हमारे पास भी पानी भी नहीं है, खाने का भी कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ इधर जितना सारा बाइक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बाइक है, सबका सेम हालत है, काफ़ी बुरा हाल है सबका।
भाई अभी तो सिर्फ लद्दाख पहुंचा, तो ले पहुंचा तो बस ले पहुंचा। क्या हालत क्या है भैया अभी इधर का? पूरा खत्म, पूरा खत्म। ये पानी भी नहीं है, देखो भैया के पास पानी भी नहीं है, बहुत ही हालत खराब इधर। भैया कुछ पानी वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला भैया को, भी नहीं मिला यार। काफ़ी बुरा हाल हो चुका है पान पे, मतलब हम तो पूरा एकदम, मैं तो सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और इतना दूर तक आया हूँ, 100 किलोमीटर के आसपास आया हूँ, 3-3.5 घंटा लग गया। और सीरियसली बहुत ख़राब हाल हो चुका है। और देखिए ये देखिए पैर का अवस्था, देखिए पैंट देखिए क्या है, ये देखिए पूरा हालत ख़राब है। और जो सीनरी है ना काफ़ी अच्छी है, ये सबसे अच्छी है, देख लुक एट द स्काई मैन, वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल लद्दाख। सो भाई ऐसा पांग से निकल चुका हूँ अभी लेह की तरफ। पांग पे तो कुछ नहीं मिला, खाने का भी नहीं मिला, कुछ पानी भी नहीं मिला। हाँ पानी मिला था लास्ट पे। लेह इधर से 176 किलोमीटर है, 176 किलोमीटर है लेह, और मेरा बाइक पे और पेट्रोल ही नहीं है। और जो ये 3 दाग दिख रहा है यही पेट्रोल है और कुछ नहीं है। पता नहीं कितना दूर जाएगा। गाइस देखिए, लुक एट द व्यू यार, वाओ। सो तंगलंगला और 7 किलोमीटर दूर है लापास, जो है मेरा राइट साइड पे उसी कोने पे है। और अभी इसे घूम के ऊपर से जाना पड़ेगा। बाइक को चढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, बाइक को नहीं सभी गाड़ी को, इधर जितने गाड़ी जा रहे हैं ना सभी को बहुत चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत ही कम है और चढ़ाई भी बहुत है, बहुत चढ़ाई है। देख सो गाइस फाइनली वी आर एट तंगलंगला पास। सो फाइनली हम लोग तंगलंगला टॉप पे 17,582 फिट, यस हो गया। सो इधर फोटो शूट कर लेते हो। हाँ कष्ट, जल्दी जल्दी फोटो खींच लो, जल्दी जल्दी आ जाओ। रुको। सो फाइनली तंगलंगला पास 17,582, ये तो हेलो जल्दी। सो भाई साहब अभी तंगलंगला वगला जो है सब क्रॉस करके आ चुका हूँ। काफ़ी दिक्कत हुआ आने में, क्योंकि मेरा वाइफ था उसका भी थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था, सर पे बहुत चक्कर आ रहा था, दर्द हो रहा था। काफ़ी टफ जर्नी था मेरे लिए इस टाइम को।
तो अभी इधर से ले है 85 किलोमीटर और हम रूम से नमक के कुछ प्लेस है उधर से 8 किलोमीटर आगे है। तो इधर एक छोटा सा ढाबा है, मैगी चाय वगैरह जो मिलता है इधर थोड़ा खाया क्योंकि ब्रेकफास्ट तो नहीं किया कल रात को खाने के बाद। अभी टाइम हो रहा है 4:45, मतलब 5 बजने जा रहा है शाम को, तो अभी खाना खाया तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हो रही है अभी खाना खाने के बाद। अभी ले में जाएंगे, ले में जाके रूम ढूंढेंगे, रूम के नंबर बहुत सारी है क्योंकि बहुत सारे दोस्त ले पे है अभी, तो उन्होंने नंबर शेयर किया, 5-6 नंबर शेयर किया, तो उसी एक नंबर से कॉन्टैक्ट करके रूम ले लेंगे, फिर जाके पूरा एकदम शांति से रेस्ट लेंगे आज का दिन। कल लॉन्ग जर्नी नहीं है क्योंकि कल हम लोग ले का जितना सारा साइट सीइंग है कवर करेंगे, फिर उसके बाद दिन हम खारदुंगला वगैरह जो है करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते जाओ और अगले वाला एपिसोड जो भी आएगा देखो, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस कर लो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो बाइक पे राइट वही पे आप सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक में मेरा पेज है बाइक पे राइट, उधर भी सेम है। तो चलो अभी ले तक जाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटा तक लगेगा। सो इधर से ले है 73 किलोमीटर ओनली और उफसी है 20 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छी व्यू है इस जगह का। तो ये एक्चुअली लाटो विलेज है, लाटो विलेज क्रॉस करके ही 2 किलोमीटर बाद से ऐसा व्यू स्टार्ट हो जाती है। लाटो विलेज का भी व्यू अच्छी है लेकिन ये जो मेरा एकदम राइट साइड से नदी बहते जा रही है तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है व्यू। और इधर का जो पहाड़ का कलर है ना वो थोड़ा सा रेड हो चुका है, देखिए आप लोग को शायद दिखाई देगा, ये थोड़ा सा रेड टाइप का है। उफसी 20 ले 69, तो उफसी में जाके हम लोग का होगा अभी कोविड टेस्ट, जैसे ही हमारे पास आरटीपीसीआर नहीं है तो उस लिए हम लोग को होगा रैपिड टेस्ट, तो उसके लिए 10-15 मिनट या 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट आएगा तो उस फिर हम ले के साइड चले जाएंगे। तो यही है आज का प्लान, आज का प्लान सक्सेसफुल होगा और कुछ ही मिनटों में क्योंकि सो गाइस फाइनली वी आर रीच्ड एट ले डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ लद्दाख वैली। सो रियली आई एम वेरी हैप्पी रियली सीरियसली आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हेयर। सो दिस इज द इंडस रिवर, मतलब इंडस रिवर और लद्दाख वैली का एक फर्स्ट व्यू है इधर से। और इधर से उफसी है 1 किलोमीटर, तो उफसी में शायद पार्किंग जो दिख रहा है मुझे वो है कोविड टेस्ट के लिए, उधर अभी जाके शायद हमारा भी कोविड टेस्ट होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा लेकिन इधर उफसी में ही होता है कोविड टेस्ट। कोविड टेस्ट रैपिड कोविड टेस्ट नहीं होता है, वो चेक होता है। अच्छा रैपिड तो हुआ हमारे, तो हुआ हमारे। क्या खूबसूरत व्यू है ले लद्दाख का। तो फाइनली हमारा जो कोविड टेस्ट है वो हो चुका है और ले है 49 किलोमीटर और इधर से लेफ्ट लेना है ले लोमा हल्ले कैरी चुमथांग। ओके